लग गए, सबको बताऊंगा मैं अभी जाके। अबे नहीं 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 पागल है क्या, मैं रुक जा, अबे पागल रुक जा, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा दोस्तों। शादी के बाद पहली बार हम ससुराल जा रहे हैं। ससुराल, वीडियो का लाइक बटन दबा दो यार। उधर ट्रेन का इंतजार करते हुए हमारे 12 बज रहे थे और यहाँ टाइम पास करने के लिए पटना रेलवे स्टेशन की तरह टीवी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। फाइनली हमारी ट्रेन का आगमन होता है और इधर मैं सुसु रोक के खड़ा था। जैसे ही मैं टॉयलेट में घुसा देखता हूँ यहाँ तो सुरंग बना हुआ था। पता चला बिना टिकट वाले यात्री टीटी से बचने के लिए यहाँ आके छुप जाते हैं। हेलो कोई है क्या, अंदर गर्मी नहीं लग रही क्या? तू हगने आया, हग के निकलना, दिमाग मत खराब कर। कमाल है, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। दोस्तों मुझे पता चला स्लीपर क्लास में बहुत चोरी डकैती होती है। अपने सामान को पैरों में ऐसे बांध लिया कि चोर को भी सर चकरा जाएगा। अगली सुबह जब आंख खुली तो हमारी गाड़ी कटक पहुंच चुकी थी। स्टेशन के बाहर आके हमने झट से कैब बुक किया और फट से चंडी खोल पहुंच गए। जिन्हें पता नहीं बता दूं, मेरे नेफ्यू का थ्रेड सेरेमनी का फंक्शन अटेंड करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले प्लेट भर भर के खाना परोस दिया गया। जी हाँ, यही है हमारे नेफ्यू जिनको आपने हमारे शादी वाले वीडियो में तो देखा ही होगा। चलो जान छुट्टी। अरे मौसा जी पेट भर के खाओ, बहुत पतले हो गए हो। ये सुनते ही मैं जोश में आके गले तक खा जाता हूँ। फिर कुछ ही सेकंड बाद जिसका डर था वही होता है। ओह नो, क्या है रे, भाग यहाँ से। बहुत हालत खराब हो गया है दोस्तों। लग गए सीधी दस पाद रहा है, सबको बताऊंगा मैं अभी जाके। अबे नहीं नहीं नहीं, नहीं पागल है क्या, मैं रुक जा, रुक जा। अबे पागल रुक जा। नानी आपका जमाई राजा ढोंढ होकर के पाद रहा है ऊपर। सत्यानाश, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा दोस्तों। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये साला कौन है? जीजू। अरे ये साला फिर से आ गया। जीजू, जीजू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है मेन फंक्शन और हम मियां बीबी तैयार हो चुके हैं। कल रात के कांड के बाद कैसे मुंह दिखाऊंगा सबको कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर कोई मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे इनके घर में किसी का पेट कभी खराब ही नहीं हुआ। अबे क्यों मेरे पीछे पड़ा है तू, क्यों बदनाम कर रहा है मेरे को? माता जी आपका पेट ठीक हो गया या अभी तक ढोंढा चालू है? अबे चुप कर रे, चुप कर। इधर धूमधाम से सारे रस्में शुरू हो जाती है। तभी आता है सबसे बेस्ट मोमेंट। नियम के मुताबिक अभी बेचारे को गंजा किया जाएगा। कल से मुझे परेशान करके रखा था बच्चे ने। अब जाके मेरे कलेजे को ठंडक पड़ी। आहा। अबे टकले देख, अग्निपथ का संजय दत्त लग रहा है। देखा, दिखा, छोड़ना। गैलरी डिलीट। फिर शुरू होता है रंगारंग कार्यक्रम। रास्ता साफ करते हुए हमारी बीबी आगे चल रही थी। उनके आगे हिमेश रेशमिया धोती पहन के चल रहे थे क्योंकि अगले 2 घंटे तक डीजे बजा के पूरे गांव वालों के नाक में दम किया जाएगा। चलो 2 ही मिनट हुए थे नाच के कि मेरे छाती में दर्द शुरू होने लगा। अरे कोई दारू पिलाओ रे। How dare you? अरे सुषमा, आज से इन इंसानों को दूध देना बंद। ये सब देखने के लिए हम इनको दूध पिलाते हैं। छी, ये क्या हो रहा है? हेलो, एक्सक्यूज मी, कोई ढंग का गाना बजाओ यार। मुझे अगर गुस्सा आ गया ना तो 1 इंच भी यहाँ से हिल नहीं पाएगा, समझा? चलो। अरे ये तो हिल गया। लोग नाचते नाचते अपना आपा खो रहे थे। इन्हें शांत करने के लिए जहरीली गैस छोड़ा जाता है जिसका कोई असर ही नहीं होता है। उल्टा हमारी नागिन तो पहले से ज्यादा जोश में नाचने लगी। इसका ये मतलब है कि मेरी बीवी को जहर का कोई असर नहीं होता। ओए मां, ये कौन है? जीजू। अरे मैं नहीं, वो दीदी। व्हाट? अरे मैडम ये सब क्या है? अरे काला डोसा है वो। खाने वाला डोसा? हाँ बहुत खाया है मैंने। हाँ तभी सोचो मेरी बीवी का दिमाग इतना तेज कैसे है। चलो। दिन का रात हो गया पर इन लड़कियों का नाच गाना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मजबूर होके गांव वाले चुपके से कीड़े मारने की दवा छिड़कते हैं। तब जाके सारे लाइन में आते हैं। फिर आता है सबका फेवरेट रिसेप्शन का मोमेंट। नमस्ते मौसा जी। अरे सदा स्वागत रहो बेटा, ये लो तुम्हारे प्यारे पद्मेन ने भेजा है ये गिफ्ट, प्यार से खोलना। ओके। हाँ भाई एक फोटो ले लो। अरे अरे अभी नहीं, मेरे यहाँ से जाने के बाद खोलना ठीक है? चलो। अरे वीडियो खत्म हो गया अंकल।